लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का News 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इंदौर में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक समुदाय विशेष के लोगों को उकसाने का काम कर रही है। उन्होंने सवेद वोट बैंक की राजनीति को देश से ऊपर रखा है, आज भी वो यही कर रही है। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों को कानून की सच्चाई से अवगत कराएंगे। वहीं सांसद शंकर लालवाली ने कहा कि वे बरसों से पाकिस्तान में विस्थापित होकर आए लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वहां के धार्मिक राजनीतिक नेता, सरकार, सेना और यहां तक कि न्यायपालिका भी अल्पसंख्यकों के दमन में जुटी है। नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करते हुए सिंधी समाज ने नड्डा को सिंधी टोपी पहनाकर सम्मान किया। वहीं सिख समाज ने सिरोपा व प्रतीक स्वरूप तलवार भेंट कर नड्डा का अभिनंदन किया। विस्थापित लोगों ने भी नड्डा का सम्मान कर नागरिकता प्रदान करने वाले कानून बनाने पर शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 इंडिया। देखते रहिए News 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।